कंप्लीट वुमन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन खिचड़ा। ये चिकन खिचड़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बोहरा स्टाइल चिकन खिचड़ा है। तो प्लीज इसकी जो स्टेप्स है उसे अच्छे से फॉलो कीजिए तो एक बहुत बेहतरीन खिचड़ा बनता है। और आप कोई बना के देखिए आपको खिचड़ा कैसा लगता है, इसके मुझे लाइक भी कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। चिकन का खिचड़ा बनाने के लिए ये हमने खिचड़े के गेहूं लिए हैं आधा किलो, ये आपको कोई भी ग्रेन स्टोर में मिल जाएंगे। और ये मैंने मिक्स दाल ली है और इसके अंदर चावल भी है, ये करीबन 300 ग्राम मैंने लिया है। ये मिक्स दाल के अंदर कौन सी दाल मैं आपको बता दूं, उड़द की दाल है इसमें, मूंग की दाल है, तूर की दाल है, चने की दाल है और मसूर की दाल है और चावल है। तो छह चीज मिला के ये हमने लिया है 300 ग्राम। अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने सौंफ ली है 2 टेबलस्पून फुल भर के, ये ऐड कर रही हूँ इसमें। ये 1 टेबलस्पून सॉल्ट और ये मैंने ऑयल लिया है 1 बड़ा चम्मच हमें लेना है इसमें। अब इन सबको मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी ऐड करना है और ये मैंने 2 लीटर पानी लिया है। और अब हम इसे लीड लगाकर रात भर छोड़ देंगे। देखिए हमने जो रात को ओवरनाइट भिगो के रखे थे गेहूं को वो अब रेडी है। अब हम आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लहसुन के जवे लिए हैं छोटे साइज के, ये 20 से 25 जवे है। और ये मैंने हरी मिर्च ली है छोटी साइज की 8 और ये अदरक के टुकड़े लिए हैं मैंने 3 इस साइज के। अब मैं तीनों चीज का पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने तीनों चीज का पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर से आधा मैं इसके अंदर डालूंगी और अब मैं इसे हाई फ्लेम पे 20 मिनट तक पकाने के लिए रख देती हूँ। अब ये मैंने आधा किलो चिकन ली है, इसके अंदर ये बाकी जो हमने पेस्ट बचाए थे वो मैं ऐड कर देती हूँ। ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। ये मैंने 1 छोटी इलायची ली है, ये 2 दालचीनी ली है और ये मैं 10 लौंग लिए है, ये बादियान के फूल लिए है 2, ये बड़ी काली इलायची ली है 2 और ये 2 तेज पत्ते। अब इसमें ये पानी डालकर इसे पकने देते हैं। देखिए हमारी चिकन जो है 15 मिनट हो चुकी है पक्के रेडी है। इंडक्शन ऑफ कर देती हूँ और ये हमने जो गैस पे चढ़ाए थे 20 मिनट पकने के लिए वो 20 मिनट पक चुका है। अब मैं इसको लीड लगा देती हूँ और इसका फ्लेम जो है एकदम लो कर देती हूँ और इसको अब हम आधा घंटा पकने देंगे। ये देखिए मैंने 4 प्याज ली है बड़ी साइज की, इसको मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इसको डीप फ्राई कर देती हूँ। ये प्याज का हम बिलिस्ता बनाएंगे, इसको अच्छे से ब्राउन होने देते हैं और चमचे को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहते हैं। ये लाइट ब्राउन तो हो गई है, अभी थोड़ा और इसे डार्क ब्राउन होने देते हैं और फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अभी ये ब्राउन हो चुकी है, ये बिलिस्ते के लिए अभी रेडी है। मैं इसे निकाल लेती हूँ, इंडक्शन को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये अब आधा घंटा हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 ग्लास और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए अब ब्लेंड हो चुका है। ये मैंने इसके लिए ब्लेंडर यूज किया है, आप चाहे तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हमने जो रेडी करके रखे थे चिकन हमारी जो पक गई थी, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे ये खिचड़े में ही, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अब हम इसे वापस पकने को रखेंगे। इसको फास्ट गैस पे हम एटलीस्ट 10 मिनट पकाएंगे और फिर इस गैस को हम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे।
ये 10 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाने के लिए छोड़ दिया है। ये 10 मिनट हो चुकी है इसको हाई फ्लेम पे। अब मैं लीड लगाकर इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। देखिए 10 मिनट हो चुकी है, हमारा खिचड़ा बनके रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब मैं इस खिचड़े पर ये गरम गरम मैं घी डालूंगी। और इस पर गरम मसाला, ये बिलिस्ता और ये पुदीने के पत्ते और ये नींबू। हम इसको नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बना है। प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही मजेदार है।